पीओपी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आपने पीओपी पनिंग भी सुना है? यस, पीओपी एंड पनिंग। तो ये भी आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से या कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा पीओपी पनिंग होती क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पीओपी पनिंग और उसकी यूसेज के बारे में बताने वाला हूँ कि यूज कैसे किया जाता है। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। जब भी हम पीओपी या पीओपी पनिंग की बात करते हैं, ये इंटीरियर्स में यूज किया जाता है। तो या तो आप अपना प्लॉट कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं और आपने ब्रिक वर्क का काम किया है, प्लास्टरिंग करी है और उसके बाद इंटीरियर्स आए हैं, या फिर आपको एक बना बनाया अपार्टमेंट दिया एक बिल्डर ने और आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, आप उसको इंटीरियर्स कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह पीओपी पनिंग का काम आ सकता है। ज़्यादातर पीओपी पनिंग वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई, जहाँ पर ब्रिक वर्क का काम हुआ और जहाँ पर प्लास्टरिंग हुई, उसके बाद पीओपी की पनिंग करी जाती है। फ्लैट्स में जनरली पीओपी पनिंग यूज़ नहीं की जाती क्योंकि जो बिल्डर है वो ऑटोमेटिकली या तो प्लास्टर पनिंग करके देता है या जिप्सम पनिंग करके देता है, तो पीओपी पनिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है या नेग्लिजिबल हो जाती है। आइए समझते हैं कि ये है क्या और इसका यूसेज क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, पनिंग इज अ फॉर्मेट जो दीवार पे आप इंस्टॉल करते हो, चाहे वो स्लरी के फॉर्मेट में हो, प्लास्टर के फॉर्मेट में हो, जिप्सम प्लास्टर के फॉर्मेट में हो या फिर पीओपी पनिंग के फॉर्मेट में हो। इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस मटेरियल वाटर के साथ मिला के दीवार पे पेस्ट बना के लगाया जाता है। तो आप अभी इस मेरे वीडियो में मल्टीपल एलिमेंट्स देखेंगे और छोटे छोटे वीडियोज देखेंगे जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये करा कैसे जाता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि अगर वॉल में एंड्यूलेशन है, अगर आपका प्लास्टर है और वो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा गैप है या थोड़ा सा बीच में से खराब है, तो उस पर पीओपी पनिंग की जाती है उसको स्मूथ करने के लिए। सिमिलरली ये ज़्यादातर यूज़ जैसे कि मैंने बताया विलास या जहाँ पर प्लॉट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ यूज़ किया जाता है। तो अगर आपका बिल्डर फ्लैट है या एक अपार्टमेंट है तो आपको उसमें हो सकता है पनिंग की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की पनिंग होती क्या है। अब ये समझ लेते हैं कितना थिक होना चाहिए या इसकी कितनी लेयरिंग करनी होनी चाहिए। तो जब आप देखेंगे अपने पीओपी वाले लड़कों को, वो इसको एक तसले में या एक कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिलाएंगे एंड दे विल बी पेस्टिंग इट ऑन द वॉल एंड देन उसके मल्टीपल लेयर्स चढ़ाते हैं जब तक ये 2 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, इवन 30 mm, इवन 40 mm तक भी ये जा सकता है। मतलब कि जब तक कि वॉल स्ट्रेट ना हो जाए और उस पर वो लेयरिंग पे लेयरिंग करते रहते हैं। इट्स ऑलरेडी वेरी थिक, तो आप एक लेयर, दो लेयर या तीन लेयर लगाते हो तो वो थिक हो जाती है। तो आप ये पनिंग के फॉर्मेट में इसको मल्टीपल लेयर्स के तरीके से किया जा सकता है। दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि जो भी एंड्यूलेशन है दीवार में, टेढ़ा मेढ़ा कोई एलिमेंट है तो वो बिल्कुल सीधा हो गया। और दूसरा पर्पस ये है कि कोई भी सीलन है या कोई भी वॉल में प्रॉब्लम है या बहुत सारा गड्ढे हैं तो उनको भी फिल किया जा सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग जब इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या प्लम्बिंग का कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एंड्यूलेशन आ जाता है दीवार में, तो उसको लोग प्लास्टर की जगह पीओपी पनिंग के फॉर्मेट में कवर कर देते हैं। फ़ायदा ये होगा कि वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा तो सरफेस स्ट्रेट हो जाएगा। तो अब ये बात करते हैं ये करेंगे कैसे। सो आपका कोई पीओपी का लड़का जो पीओपी का काम कर रहा है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम कर रहा है या फॉल सीलिंग का काम कर रहा है, ये वही करेगा। इसकी जो पनिंग है करने के लिए कोई आपको अलग से किसी और कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं करना। हूएवर इज डूइंग पीओपी वर्क फॉर यू, जो भी है कोई आपका फॉल सीलिंग का काम कर रहा है, चाहे वो जिप्सम की फॉल सीलिंग का काम कर रहा है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग का काम कर रहा है, वो ये कर सकता है। उस जब ये लेयर बिछा देता है अपनी दीवार पे तो एक लोहे की या एल्यूमिनियम की फंटी, जिसको बोलते हैं एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो लेके इसे स्ट्रेटन किया जाता है। क्योंकि ये मटेरियल किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये उबड़ खाबड़ ना हो उसके लिए एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्लॉक से इसको स्ट्रेट किया जाता है। उसी से इसकी थिकनेस भी मेजर की जाती है कि इसको 10 mm डालना है, 20 mm डालना है, 50 mm डालना है। जितने की भी रिक्वायरमेंट है उस वॉल को सीधा करने के लिए उतनी उस हॉरिजॉन्टल ब्लिक ब्लॉक से ही की जाएगी। अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी एंड फिनिश। ये कभी भी टूटता नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई हथौड़ा मारें, आप पीछे से कोई मॉइस्चर या वॉल कोई खराब हो जाए, वो बात अलग है, अदरवाइज ये अपने आप टूट के कभी नहीं गिरेगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इसकी जो फिनिश है बहुत ही स्मूथ आती है। अगर आप हाथ लगाएं पीओपी पनिंग के बाद तो आपको ये बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स प्लास्टर की हैं या ब्रिक की हैं वो यहाँ पर सब खत्म हो जाएंगी।
जैसा कि मैंने बोला, लुक तो डेफिनेटली इनहांस कर देता है, परंतु आप ये भी देख के चलिएगा, ये आपका टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा देगा, क्योंकि अगर आप प्लास्टर के ऊपर डायरेक्टली वॉल पुटी करते तो आपका टाइम बच जाता, पर आपको अब प्लास्टर के ऊपर अगर वॉल पनिंग करनी पड़ रही है या पीओपी पनिंग करनी पड़ रही है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। इसमें दूसरा मेथड भी होता है, तो जनरली जो आजकल हाई राइज में बिल्डर्स या जो लोग जिनको टाइम सेव करना होता है वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब वो जिप्सम की पनिंग करते हैं। उसे आपको प्लास्टर, जो सीमेंट का प्लास्टर है, वो नहीं करना पड़ता और आप डायरेक्टली उसकी पनिंग कर सकते हो। पर आई डोंट सजेस्ट दैट, वेयर एज जब आप आपके पास टाइम है और आप एक सही तरीके से काम करना चाहते हो, थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, पर आप वॉल पनिंग ही कराइएगा। देन इसके साथ एक एडवांटेज और है कि क्रैक नहीं करता, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, तो आप ये आराम से इंस्टॉल करा सकते हैं। और आप, हो सकता है पेंट तभी भी करना है, पेंट में वॉल पुटी तभी भी करनी है, पेंट का प्राइमर तभी भी डालना है, वो सब कुछ करना है प्रोसेस जो पेंट में की जाती है। इससे दो एडवांटेजेस और हैं, जो अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं तो भी ये वॉल स्मूथ हो जाती है, क्योंकि प्लास्टर के ऊपर अगर आप डायरेक्टली वॉलपेपर लगाएंगे या पुटी के ऊपर डायरेक्टली वॉलपेपर लगाएंगे तो वो इंडुलेशन आ सकता है, पर अगर आप पनिंग के ऊपर वॉलपेपर लगाएंगे तो कभी इंडुलेशन नहीं आएगा। पर अगेन, क्योंकि ये कॉस्टली है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा, तो ये वहीं कराइए जहाँ पर या तो आप स्क्रैच से घर बनवा रहे हैं या फिर प्लास्टर बिल्कुल ही खराब है, तो वहाँ पर तो इसे करना ही होगा। अब आप ये समझ लीजिए, इसको कहाँ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, ये एक्सटीरियर वॉल्स के लिए नहीं है। अगर आपके फ्रंट सरफेस पे या मे बी बालकनीज में आप पीओपी पनिंग मत कराइए, वो खराब हो जाएगा। तो जहाँ पर भी पानी या डायरेक्ट सन आता है वहाँ के लिए पीओपी पनिंग नहीं होती है। सेकेंड प्रॉब्लम है इसके साथ, अगर इसमें उस वॉल पे पानी आने के चांसेस हैं, मतलब या तो लीकेज हो सकती है या फिर वहाँ पर डायरेक्ट वाटरफॉल या रेनफॉल या कुछ भी एलिमेंट से पड़ता है, तो आपको वहाँ पर भी इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपकी एक्सटीरियर वॉल्स हैं या आपकी वो वॉल्स हैं जहाँ पर वो यूज़ ना करके काम चल जाए, तो आपको पनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके दूसरे मेथड्स हैं, उसके बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और उसके तौर पर आप इसकी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सब कुछ था पीओपी पनिंग के बारे में। इसका रेट और समझ लेते हैं, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग रेट से चलता है। कोई इसको 8 रुपये स्क्वायर फीट में करता है, कोई इसको 12 रुपये स्क्वायर फीट में करता है, कोई इसको 20 रुपये स्क्वायर फीट में करता है और कोई इसको 30 रुपये स्क्वायर फीट में भी करता है। अगेन डिपेंड करता है कितना डिज़ाइन है, अगर इसमें कोई डिज़ाइन का एलिमेंट डाल रहे हो तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन सर्फेसिस है तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। देन मेट्रोज में है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर रिमोट एरियाज में है या मे बी कहीं और विलेजेस में, तो इसकी कॉस्ट कम भी हो जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके पीओपी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि वो क्या रेट ले रहा है। जनरली ये 12 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में पर स्क्वायर फीट जनरल रेट इसका कॉस्ट करता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर, तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे को खूब सारा प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी घर और घर की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो आप अच्छे से अपने घर का इंटीरियर कर सकते हैं या करवा सकते हैं।